नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए ऐसे डॉक्टर्स को मदद करते हैं जो अपने अपने शुबे में गैर मामूली महारत रखते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि हम आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलाते हैं या फिर आर्थोपेडिक जो सर्जन होते हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं और जो मसाइल होते हैं उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, यानी जो बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में वो डॉक्टर्स तफसील से बताते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ शुबों के माहिर डॉक्टर्स हमारे स्टूडियो में मदद किए जाते हैं। आज जिस डॉक्टर को हमने मदद किया है उनके बारे में आपको बता दें कि दिल जो होता है इंसान का बहुत अहमियत रखता है इंसानी जिस्म में, और कुदरत ने भी अगर आप दीनी एतबार से भी देखा जाए तो दिल की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और अगर दुनियावी एतबार से भी देखा जाए तो दिल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाज़ जो मुहावरे होते हैं ख़ास तौर पर दिल से मुतालिक होते हैं। अब मुहावरे की बात नहीं करेंगे, अगर अहादीस की भी बात करते हैं और दीनी उम्र पर हम बात करते हैं तो पता चलता है कि जो दिल होता है वो तमाम चीज़ों का मरकज़ होता है, यानी नीयतों का जो दारोमदार होता है वो दिल पर मुनहसर होता है इस तरह कहा जाता है, या दारोमदार होता है दिल पर इस तरह कहा जाता है, और हमारा ये ईमान भी है। लेकिन आज जिस शख्सियत को हमने मदु किया है वो आपको बता दें कि डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हैं और सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ओलिव हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं और तकरीबन 11 साल का वो तजुर्बा रखते हैं। और नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज जो दुनिया है, दुनिया में जो लोगों को फिक्र होती है या फिर कई मसाइल का शिकार हैं, हाइपरटेंशन का, अमराज कल्ब का, शुगर का, इस तरह की कई बीमारियों का वो शिकार हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो होते हैं अगर डॉक्टर्स दयानतदारी का मुजाहरा करें और तो फिर यकीन मानिए कि वो इंसानियत को और इंसानों को बचाने में कामयाब होते हैं। और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ के बारे में हम कह सकते हैं कि वो डॉक्टर्स को जिस अंदाज़ में देखते हैं, जिस तरह हमदर्दी का इजहार करते हैं, उनके साथ जिस तरह की गुफ्तगु रवा रखते हैं या गुफ्तगु करते हैं, उससे ही मरीज़ आधा यानी सेहतियाब हो जाता है। तो बहरहाल हम खैर मकदम करते हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ का, बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, जब दिल की बात आती है तो आपको, जैसा कि मैंने हमारे नाज़रीन को बताया है कि दिल बहुत नाजुक शय ऑर्गन होता है और जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अहम दिल होता है, लेकिन दिल की जब बात आती है तो हार्ट अटैक जो होता है वो उसकी भी बात आ जाती है। लेकिन आज जो मसला देखा जा रहा है वो ये है कि नौजवानों में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, आखिर क्यों और क्या वजह है उसकी? समझना यह है कि जो दिल है एक गोश का टुकड़ा बोल सकते हैं आप, मजल है जी, उसको तीन आर्टरीज बोलते हैं हम लोग, जो खून का दौरान पहुंचाता है जी, जी। जैसे एक हाथ है, खून पहुंचेगा तभी जो हाथ काम करेगा, खून में गिजा रहती है हर एक सेल का जी, जी। वैसे हार्ट के लिए भी तीन आर्टरीज रहते हैं, अच्छा, जिसमें राइट साइड में एक बोलते हैं, लेफ्ट साइड में दो बोलते हैं हम लोग, तो वो तीन आर्टरीज से खून का दौरान पहुँचता है, ठीक है। अगर ये खून का दौरान जो पाइपलाइन है जो दिल को पहुंच रहे हैं, अगर उसमें से कोई भी ब्लॉक हो जाता है तो उसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, अच्छा, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक होने के बहुत सारे रीजंस है, आजकल देखा है कि जो नौजवान 30 साल है, 25 साल है, हफ्ते में एक तो ऐसा आता है जिसका उम्र 25 साल, जी, पिछले हफ्ते ही जो हॉस्पिटल में जिसकी उम्र 21 साल, वो क्रिकेट खेल रहा था, अच्छा, और इतना शदीद दर्द हुआ, इमरजेंसी में लेके आया तो बहुत बड़ा हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक, अच्छा, और उसका दिल रुक भी गया था इमरजेंसी में, हम लोगों ने भी उसको CPR करके इमिडिएटली कैथ लैब में लिए, एंजियोग्राम करके देखा तो एक रग बंद थी उसकी, तो इमिडिएटली रग को साफ करना पड़ा और स्टेंट डालना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वो 24 घंटे में ठीक भी हो गया और डिस्चार्ज भी हो गया 21 साल की उम्र। तो इसके सबसे बड़े रीजंस ये है, आजकल के जो नौजवान हैं, एक तो अपना ख्याल नहीं रखते, पहली बात, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब बिल्कुल कोई काम नहीं, बैठे रहना है जहाँ पर है, आराम आराम की जिंदगी चाहिए बस, ये चीज़। दूसरी चीज़ नशे, अच्छा, आजकल इतना कॉमन है हैदराबाद में भी, ठीक है, ड्रग्स बहुत कॉमनली देखा जाता है, हम लोग ने मालूम करते हैं कि 4 में से 1 पेशेंट तो ड्रग्स का हिस्ट्री देता है हमारे पास, तो ये बहुत कॉमन रीज़न है, इसलिए नौजवानों में काफ़ी हार्ट अटैक्स भी देखा जा रहा है। तीसरी चीज़ स्मोकिंग, अच्छा, स्मोकिंग बहुत कॉमन है, या अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल भी बहुत कॉमन है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीज़ें हैं जो लोग टच कभी नहीं कराए, अच्छा, क्योंकि अपना जवान है, क्या जरूरत होगी उनके, जी जी जी। तो चेक उनको सडनली शुगर या BP पहले से चल रहा है तो वो जाके हार्ट पे असर कर रहा है, तो फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो है फैमिली हिस्ट्री, जी जी, अगर माँ बाप को है या भाई बहन को है, कजिन के हैं, तो ये सब चीज रहने की वजह से हार्ट अटैक नौजवानों में बहुत कॉमन देखा गया। जी जी। लेकिन मैं कहूँगा सबसे कॉमन चीज एक है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो बिल्कुल काम वाम नहीं करते या बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं है, और दूसरा खान पीन, अच्छा, अपने खान पीन पे कंट्रोल नहीं है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं आपको पता ही नहीं, जी बस जी। भरते जा रहे हैं, अच्छा, अपने जो
जो प्याज को पेट को भर रहे हैं, बस ये चीज़ है, देखा ही नहीं है कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, जो आपके लिए सेहतमंद है या नहीं है। कोई भी चीज़ लिटिल क्वांटिटी में लेंगे तो सेहतमंद है, ज़्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है, नौजवानों की जब बात आती है तो हम दावतों की बात करते हैं, हैदराबाद में आप देखेंगे जैसा कि आपने कहा कि आरामदायक जिंदगी बगैर किसी सरगर्मी की जिंदगी गुजारने से भी हार्ट अटैक होता है, तो आप ये बताइए कि जो हमारी दावतें होती हैं हैदराबाद की, खासतौर पर यहाँ पर अनवा व अकसाम की डिशेज रखी जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स की डिशेज होती हैं, और फिर आप देखेंगे कि जो खाने के वक्त होता है बहुत ज़्यादा देर से होता है, यानी दूल्हे साहब जो नौशा आते हैं तकरीबन 11 12 बजे नौशा आ रहे हैं, तो ऐसे में तो आप बताइए कि क्या उसका भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। सुन्नत यह है कि भाई एक तिहाई आप जो है खाना खाएंगे, एक तिहाई पानी पियेंगे और बाकी एक तिहाई खाली रखेंगे पेट में। जी जी। लेकिन जब दावत रहती है तो यहाँ तक रहता है गले तक, और इतना है कि उसको पचने के लिए फिर जो है मिनिमम 24 घंटे तो लगेगा ही। जी जी। तो एक और दूसरा, लेट खाना खाना एडवाइजेबल नहीं है मेडिकली भी। अच्छा जी। और जितना लेट खाएंगे तो वो ज़्यादा जमा हो जाता है। अच्छा। और जितने भी वैरायटी ऑफ डिशेस आप हैदराबाद में देखते हैं, ज़्यादातर चिकनाई बहुत रहती है। अच्छा। तेल बहुत रहती है, तो उसको कोशिश करना चाहिए कि आप सेलेक्टेड लें, कम लें। ये नहीं कहेंगे भाई आप दावत मत अटेंड करिए, बट एक हिसाब से जिसमें तेल कम इस्तेमाल किया गया हो, और हेल्थी खाना, सेलेक्टेड खाना और कम खाना, जी ये अगर फॉलो करेंगे तो ठीक रहेगा। जी। नहीं तो फिर आप दावतों पे दावतें अटेंड करते जाएंगे, फिर बीमारियों के साथ। हैदराबाद में अगर सबसे ज़्यादा चल रहे हैं तो दो ही चल रहे हैं, एक होटल है दूसरा हॉस्पिटल है। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल, बहरहाल तो आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब ने किस अंदाज़ में कहा है कि जो दावतें हैं वो ख़तरनाक भी होती हैं, दावतों में जाना चाहिए लेकिन जिस अंदाज़ में लोग खाया करते हैं उस तरह नहीं खाना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक डॉक्टर मोहम्मद आसिफ का सवाल है, तो उन्होंने MBBS जो किया है कर्नाटक से किया, और फिर MD जनरल मेडिसिन में उन्होंने किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और फिर आपको बता दूँ कि DM उन्होंने किया कार्डियोलॉजी से, DM किया कानपुर से। तो बहुत उनका सफ़र बहुत अच्छा रहा, तालीमी सफ़र भी, और अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शिफा भी दी है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है, डॉक्टर के लिए एक नेमत होती है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, चलिए हमने दावत की भी बात कर ली है, और जो खाने हैं यानी जिस अंदाज में बेढंगी जिंदगी हम गुजारते हैं वो भी हार्ट अटैक की वजह आपने बताई है, तो आप ये बताइए कि हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर होते हैं या जोखिम जो खतरात के अनासिर होते हैं वो क्या है? जी, जो किसी को भी चाहे उनकी उम्र 20 साल हो 25 साल हो, सीने में अगर जलन हो रही है, ठीक है, या शदीद पसीना आ रहा है, ठीक है, या बाजुओं में सीधे तरफ या दाएं तरफ कहीं पर भी हो दर्द हो रहा है, या सिर्फ चक्कर आए, या धड़कन तेज़ हो रही हो, या ऐसा है कि सिर्फ पसीना आने लगे बहुत ज़्यादा, तो ये सब जो है अलामत होते हैं कि हार्ट की निशानियाँ होते हैं। तो रिस्क फैक्टर इसका मतलब सिम्टम्स कहेंगे हम, अलामत कहेंगे कि भाई ये चीज़ अगर है तो हार्ट के चांसेस हैं। तो आपको चाहिए कि चाहे वो गैस का ही क्यों ना हो, बेहतर है आप मुतमईन होने के लिए करीबी अस्पताल जाइए, कम से कम एक ECG करा लीजिए, वो देख लें, अगर वो नॉर्मल है तो आप उसमें मुतमईन हो सकते हैं कि भाई ये हार्ट का है या नहीं है। ये सबसे ज़रूरी है। जो लोग 40 साल के ऊपर हैं, जिसको ऑलरेडी शुगर है या BP है, उनको चाहिए कि एक हार्ट का चेकअप करा लें अगर उसको बार बार हो रहा है तो। जी जी। अमूमन ज़्यादातर गैसेस का ही रहता है, बट अगर 100 लोगों में से 10 लोगों का भी हार्ट का निकला तो वो काफ़ी नुकसानदायी हो सकता है अगर हम लोग उसको इग्नोर करेंगे तो। जी जी। ये चाहिए कि भाई आप मुतमईन हो जाएं कि भैया हार्ट का नहीं है पहली बात। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसा कि आप ओलिव हॉस्पिटल में काम करते हैं, खिदमत अंजाम देते हैं, और आपकी अपनी एक पहचान है, तो आप ये बताइए कि अक्सर जो आपसे पेशेंट रुजू होते हैं, मरीज रुजू होते हैं, वो किस किस्म के होते हैं? जी, तो हमारे पास अगर आप तीन तबके में बांटा जाऊँ तो एक है यंग पेशेंट्स जो बता रहे हैं, नौजवान, ये बहुत आजकल बहुत कॉमन हो गया है और बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ मैं। जी जी। वो लोग शदीद सीने में दर्द लेके आते हैं, पसीना हाथ में, इमरजेंसी में आते हैं, ठीक है, और जब हम लोग ECG कराते हैं तो उसमें मेजर हार्ट अटैक दिखाता है, हम लोग खुद ताजुब हो जाते हैं कि भाई इसको हार्ट अटैक कहाँ से होगा, बट आजकल तो हमको सब कुछ शक के नज़र से देखना पड़ रहा है। अच्छा। ठीक है, फिर हम लोग 2D इको वगैरह करके देखते हैं, तो अगर इमरजेंसी अगर कुछ रहा तो हम दवाई देते हैं, अगर दवाई के साथ साथ इंजेक्शन से हो सके तो कोशिश करते हैं कि इंजेक्शन से उसको ठीक कर दें, अगर नहीं कम हुआ तो फिर एंजियोग्राम करके अगर कोई ब्लॉक है तो उसको साफ करेंगे स्टेंट के जरिए, तो ये चीज़ है। इसके अलावा दूसरे तबके के हैं औरतों में अमूमन देखा है कि कम उम्र वालों को बहुत रेयर है हार्ट का प्रॉब्लम। हाँ, जो जिसकी उम्र 50 साल के नीचे है, अगर उनको शुगर BP नहीं है तो हार्ट अटैक के चांसेस कम है। यानी एक्टिविटी ज़्यादा रहती है? एक्टिविटी नहीं, हार्मोन्स बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा। औरतों में जो हार्मोन्स रहते हैं उस वजह से जो उनको हार्ट अटैक के चांसेस कम रहते हैं, और जो जेंट्स में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, लेकिन 50 साल 55 साल के बाद जो है
औरतों में भी काफ़ी कॉमन देखा गया है। लेकिन उनका जो तकलीफ रहता है ज़्यादातर शदीद दर्द जैसा नहीं रहता, अलग अलग सिम्टम्स है, किसी को सिर्फ सांस फूलती है, किसी को सिर्फ पसीना आता है, तो इस तरह के लोग हमारे पास आते हैं। और जो लोग और एक तीसरा तबका जो है जिसको ऑलरेडी शुगर है, बीपी है, कई लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं, जो दर्द ही नहीं होता, थोड़ा हल्का सा महसूस हुआ या हल्का सा पसीना आया, हल्का सा सांस फूली, वो लोग भी कुछ गोली लेके घर पे रिलैक्स करते हैं, लेकिन जब तक आते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है। अच्छा, तो हार्ट अटैक में ये जानना ज़रूरी है कि जितना आप लेट करेंगे उतना ज़्यादा दिल का जो मसल है वो डैमेज हो जाएगा और जान का धोखा भी बढ़ जाएगा। जी 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 जी। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर बच्चों के बारे में कहा जाता है, जो बच्चे पैदा होते हैं, नौमौलूद जो होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि फलां बच्चा हो या फलां बच्ची हो, उसके दिल में सुराख है, इस तरह कहा जाता है, तो आप उस तरह की भी सर्जरीज करते हैं? जी बिल्कुल, बच्चों के अमूमन जो पैदाइशी बच्चों में क्या है, सुराख छोटे छोटे रहते हैं। अच्छा, घबराने की बात नहीं है, वो कुदरती निज़ाम ऐसा है कि 3 महीने 6 महीने में अपने आप पूरे बंद हो जाते हैं सबको। लेकिन जिसको रह जाता है या जिसको बड़ा रहता है, तो उसमें हम दो तरीके के बोलते हैं, एक जो है गंदा खून और साफ खून मिक्स होने वाला। अच्छा। और बिना मिक्स होने वाला, बिना मिक्स होने वाले जो सुराख रहते हैं वो हम लोग पैदा होते ही करने की ज़रूरत नहीं रहती है, धीरे धीरे जाके 2 साल 3 साल के बाद उसको हम दूरबीन से बंद कर देते हैं बिना ऑपरेशन के। अच्छा जी। और जिसका गंदा खून और साफ खून मिक्स होता है बॉडी के अंदर, ऐसे लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, वो कंडीशन देख के कई बार 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर या 2 साल के अंदर सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जो है जो छोटे बच्चे भी हैं अभी तक जो मैंने किया है वो है 6 महीने की बच्ची है जिसको अच्छा। दिल में सुराख था, उसको मैंने दूरबीन से बंद किया था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटे छोटे बच्चों, लेकिन हर केस अलग अलग रहता है, तो हम लोग जनरलाइज नहीं बोल सकते कि भाई सुराख है तो सबको एक ही टाइप का होगा। पहले हम चेक करते हैं स्कैनिंग से कि सक्सेस होगा नहीं होगा, जिसको सक्सेस होगा हम उसको दूरबीन से बंद कर देते हैं। अच्छा, एक बात आपसे ये सवाल किया जाएगा जी, जी। कि आप ये बताइए कि अगर 3 कैटेगरीज में हम तकसीम कर दें जी, पेशेंट्स को जी, तो सबसे ज़्यादा अमवात किसकी होती हैं या हार्ट अटैक से ज़्यादा मुतासिर कौन होते हैं? एक तो नौजवान, दूसरे ख़वातीन, और तीसरे जो हैं मर्द हज़रात। जी जी। तो हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा तो मैं बोला ख़वातीन तो लास्ट रखेंगे हम लोग। अच्छा जी जी जी, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यंग पेशेंट्स बहुत वॉलेटाइल रहते हैं उनका, फिर इसके बाद मर्द हज़रात रखेंगे। अच्छा जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब को सुना है, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ को, कि किस तरह उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज़ में, बहुत ही वाज़े अंदाज़ में बताया कि हार्ट अटैक के जो अलामतें होती हैं और उन अलामतों का अगर आप में मुशाहदा होता है तो समझिए कि ये हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, कि हाइपरटेंशन की बात हम करते हैं, जो भी हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं तो वो कैसे हार्ट अटैक का बायस बनता है उनमें हाइपरटेंशन? देखिए, हमारे पास अमूमन ये है कि जितने लोग पेशेंट्स अपने पास आते हैं कोई तकलीफ नहीं रहती है। हाँ। जब आते हैं हम चेक करते हैं, बीपी 180 190 200 ऐसा रहता है। हाँ। तो उतना बीपी देख के डॉक्टर पहले घबरा जाता है, पेशेंट अच्छा। तो मज़े में रहता है, पेशेंट बोलता है कि साहब मैं अच्छा हूँ, गोली क्यों खिला रहे हैं? इसका मकसद ये है कि अगर आप गोली नहीं खाएंगे, इतना जो बीपी ज़्यादा है वो जाके आपके वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। अच्छा। जैसे दिमाग है जी जी। हार्ट है, किडनी है जी जी। जैसे बीपी 180 क्रॉस होगा दिमाग की रग फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसी तरह हार्ट को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा। जिसका बीपी नॉर्मल है, पंप करने के लिए, हाँ, पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा। तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, उसके साथ साथ हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हार्ट का गोश है वो बढ़ जाता है हार्ट बीपी के पेशेंट्स में। अच्छा। तो उनको चाहिए कि बीपी को कंट्रोल में रखें हमेशा, और बीपी कभी भी 130/80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कई लोग कह रहे थे कि भाई बीपी नॉर्मल हो गया दवाई छोड़ देते हैं, ये सब होता है, तो हम लोग उनको समझाते हैं कि भाई आपको नॉर्मल है तब भी खाना है, क्योंकि जो दवाई खा रहे हैं उस वजह से बीपी आपका नॉर्मल है। अगर आप छोड़ देंगे, ऐसा वक्त आएगा 1 हफ्ते तक नॉर्मल है, सडनली बढ़ जाएगा, तो फिर खतरे की अलामत बन सकते हैं। जी जी जी। चलिए, एक दूसरा सवाल ये करते हैं कि जैसा कि हाइपरटेंशन के हमारे पास बहुत ज़्यादा मरीज़ होते हैं, और आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि हाइपरटेंशन के जो मरीज़ हैं उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और जो मायने होते हैं वो भी, टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी करवाने की ज़रूरत है। तो एक बात ये बताइए कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनमें हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे आप कैसे समझाएंगे? आम क्यों है ये मर्ज़ शुगर के मरीज़? देखिए, हम लोग ये कहें शुगर एक ऐसा मर्ज़ है कि काफ़ी ऑर्गन्स को डैमेज करता है वक्त के साथ जी। अगर किसी को शुगर 4-5 साल के ऊपर है तो चांसेस है कि उनका किडनी फेल होना, हार्ट अटैक आना या ब्रेन स्ट्रोक होना के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इसलिए कि अगर आपके अंग में, शरीर में जो शुगर है अगर वो 200 के ऊपर लगातार बढ़ा हुआ रहता है, तो जो आर्टरीज रहते हैं, चाहे किडनी के हो, दिमाग के हों या हार्ट के हों,
आर्टरीज जो मैं बताया जो नसें रहते हैं रगों की जो खून का दौरान एग्जैक्टली वो जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होके जो कोलेस्ट्रॉल जमा होना काफी तेजी से होता है। अच्छा। जैसे जिसको शुगर नहीं है उसको जमा होने में 20 साल लगेंगे, जिसको शुगर है उसको 2-3 साल में जमा हो जाएंगे। अच्छा। तो काफी तेजी से जमा हो जाता है, तो वो जमा कहीं दिमाग में भी रगों में हो सकता है, दिल के रगों में या किडनी के रगों में। इस वजह से क्या होगा कि आपका जो अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो लोगों को शुगर है उनको मैं यही कहूँगा कि आप अपना शुगर कंट्रोल में रखें, आप शुगर के डॉक्टर को दिखाएं, अपना शुगर कंट्रोल में रखें। कंट्रोल में रहा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और जिसका ऑलरेडी 5 साल के ऊपर है शुगर, एक बार हार्ट का चेकअप भी करा लें जो रेगुलर होता है, ECG है, इको, TMT, थोड़े टेस्ट रहते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि दिल आपका मजबूत है या नहीं है। अगर मजबूत है तो उसको मेंटेन करते जाएं। मैं चाहूंगा कि आप जिन टेस्टों की बात की फिर दोबारा बताएं हमारे नाज़रीन को कौन से कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि ECG, 2D इको, दिल का स्कैन जो बोलते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर चल सकते हैं अच्छा, तो TMT बोलते हैं हम लोग, जो मशीन पे चला के देखते हैं कि दिल मजबूत है या नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम निकलता है जैसे ECG में या 2D इको में या TMT में, तो तब हम लोग उनको बोलेंगे एंजियोग्राम करा के देखिए। अच्छा। ताकि हार्ट अटैक आने से पहले उसका हम लोग इलाज कर सकें। ऐसा नहीं कि भाई अटैक आया अब इलाज करो, सबसे बेहतरीन और समझदारी इसमें है कि अटैक आने से पहले आप उसको कंट्रोल में रख लें। आपने दौरान गुप्ता को एक बात बताई है कि हार्ट अटैक की अलामत हैं उनमें ये है कि सीने में दर्द होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी नौजवान के या किसी बूढ़े शख्स हैं या कोई खातून हैं उनके सीने में दर्द होता है तो हंगामी तौर पर क्या करना चाहिए? जी देखिए, अगर किसी को भी सीने में दर्द होता है, कई लोगों को गैसेस का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो गैसेस का रहता है, लेकिन ये दर्द जो है गैसेस से अलग रहता है। अगर जिसको ऑलरेडी गैसेस है तो ये दर्द बहुत शदीद रहेगा, साथ में पसीना आएगा, और ये दर्द के साथ साथ ये इधर लेफ्ट साइड पे भी पेन जाएगा या गले के पास भी पेन जाएगा। अच्छा। अगर इस तरह की अलामत है कि आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, इमीडिएटली करीब के हॉस्पिटल चले जाएं, इमरजेंसी एक ECG करा लें, या कम से कम घर में अगर आपके पास एकोस्पिन जो एस्पिरिन गोली बोलते हैं हम लोग, वो गोली, स्टैटिन गोली आती है और एक क्लोपिडोग्रल गोली, 3 गोलियां इमीडिएटली इमरजेंसी खिलाते हैं। अच्छा। एक सॉर्बिट्रेट करके आती है, अगर सीने में दर्द हो तो जुबान के नीचे रखने के लिए हम लोग देते हैं। अच्छा अच्छा। अगर ये घर पे है कोई ऑलरेडी तो उसको लेके इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचे, या सबसे बेहतर चीज़ करीब में हॉस्पिटल है चले जाइए, चेकअप करा लीजिए, ECG करा लीजिए, मुतमइन हो जाइए, तब जाके आपको बेहतर रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि चलिए आप अपने अस्पताल में कई किस्म के मरीजों को देखते हैं, तो हार्ट अटैक का जब मरीज आता है तो किस तरह उसको मैनेज करते हैं, किस तरह उससे निमटते हैं? जी जी, हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया, देखिए हार्ट अटैक तो टाइम बोल के नहीं आएगा। जी जी। कि भाई कभी कोई 2 बजे हो जाता है, हाँ। कभी 1 बजे हो जाता है, कभी दिन के हो जाता है, शाम में होता है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि ज़्यादा से हार्ट अटैक रात के टाइम पे, फजर के आसपास के टाइम पे होता है। अच्छा। ठीक है, तो रात के 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारे पास जो ऑलिव हॉस्पिटल में एक सिस्टम बनाया है हम लोगों ने, जो 24 घंटे एक सीनियर हार्ट का स्पेशलिस्ट रहेगा उधर। जी जी। क्योंकि कभी भी किसी को अगर दर्द हो या ऐसा कुछ हो जाए, इमरजेंसी में कभी भी पहुंच जाए, अपनी टीम, एक इमरजेंसी टीम, क्रिटिकल केयर टीम, ICU टीम और कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, ये पूरी टीम तैयार रहती है। जैसे ही पेशेंट आता है इमरजेंसी, उनको चेकअप किया जाता है, देखते हैं कि हार्ट अटैक है या नहीं है। अच्छा। उसका तरीका ECG है, 2D को करके देखते हैं। जी जी। और इमरजेंसी दवा इमीडिएटली खिला देते हैं, चाहे रात के 2 बजे दें। अच्छा। करने के बाद अगर वो रग बंद है तो इमीडिएटली हम लोगों को फ़ोन करते हैं, तो हम लोग इमीडिएटली चले जाते हैं। जाने के बाद इमरजेंसी एंजियोग्राम करके देखते हैं कि रग कौन सी बंद है, उसको इमीडिएटली साफ करके रग को खोल देते हैं। अच्छा। क्योंकि ध्यान रखना ये है कि हार्ट अटैक का लाइफ जो है, अटैक आने के बाद जो हार्ट का मजल का गोश का लाइफ है, सिर्फ 6 घंटे। अच्छा। अटैक आने के बाद, अटैक आने के बाद आप 6 घंटे के अंदर जितना जल्दी इलाज कराएंगे उतना बेहतर है। अच्छा। अगर आप जितना देरी करेंगे, एक तो जान का धोखा बढ़ जाएगा और दूसरा हार्ट डैमेज हो जाएगा। जब डैमेज हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। तो इसीलिए चाहिए कि जैसे इमरजेंसी आते हैं हम लोग 1/2 घंटे के अंदर अगर वो तैयार हो जाते हैं। कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, किसी किसी को 10 जगह ओपिनियन लेना रहता है, कभी कन्फ्यूजन रहता है, तो हम समझाते हैं, अपने पास दोनों ऑप्शंस रखते हैं हम लोग। एक आजकल गवर्नमेंट का स्कीम है आरोग्यश्री स्कीम, उसमें इमरजेंसी में हम लोग फ्री में ट्रीटमेंट इमीडिएटली कर देते हैं, और जिसके पास नहीं है कम से कम में करने की कोशिश करते हैं, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी जो है जो बेस्ट से बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं। तो इमरजेंसी एंजियोग्राम करके स्टेंट डाले तो इमीडिएटली जो है खतरे के बाहर हो जाते हैं। आपने स्टेंट की बात की, जी स्टेंटिंग और बाईपास सर्जरी में क्या बेहतर है? देखिए बाईपास अपने जगह है, स्टेंटिंग अपने जगह है। जी जी। अगर आप कहेंगे यहाँ से बैंगलोर का कैसे जाएंगे डॉक्टर साहब, बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, मैं लोग भाई दोनों अपने जगह है, दोनों से भी आप पहुँच सकते हैं। जी। तो ऐसे ही है,
लेकिन बाईपास के लिए जो है तीनों रगों में ब्लॉकेजेस रहना क्रिटिकल रहे, जिसको शुगर है और जड़ के पास अगर ब्लॉकेजेस है तो बाईपास को ज़्यादातर तरजीह देते हैं। जी जी। स्टेंटिंग के लिए ऐसा है कि एक रग में ब्लॉक है या दो रग में ब्लॉक है तो स्टेंटिंग सबसे बेस्ट है, या तीन रगों में भी है छोटे छोटे ब्लॉकेजेस है जिसको आसानी से स्टेंट से किया जाता है तो स्टेंटिंग बेस्ट है। स्टेंटिंग में आजकल लेटेस्ट जनरेशन के क्वालिटी बहुत अच्छा है और उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। स्टेंट का आधे घंटे में इलाज भी हो जाता है, एक दिन के बाद पेशेंट रूम में शिफ्ट हो जाएगा, दो दिन में घर जा सकता है और काम वाम सब कर सकता है। बाईपास में क्या है कि थोड़ा टाइम लगता है, एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, उसके बाद रिकवरी के लिए एक महीने तक टाइम लगता है, बट वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। दोनों भी अपनी जगह बेहतरीन इलाज हैं और दोनों भी बेस्ट रिजल्ट्स हैं। बाईपास में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है लॉन्ग टर्म का और स्टेंटिंग में भी आजकल जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स हैं, तो डॉक्टर जो डिसाइड करेंगे वो बेहतर रहेगा। हम लोग नहीं, जैसे आम पब्लिक नहीं बोल सकती कि भाई हमको बाईपास कराना है, स्टेंट कराना है, ये फैसला डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर करेंगे। चलो एक कार्डियोलॉजिस्ट का, आप दो तीन कार्डियोलॉजिस्ट का राय मशवरा ले सकते हैं इसमें, जी जी। फिर आप जाके एक इस पे इलाज कराएंगे, सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। कर ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जैसे स्टेंट्स की बात होती है तो स्टेंट्स में देखा जाता है क्वालिटी को देखा जाता है, और आपने जैसा कहा है कि जनरेशन 4 के जो स्टेंट है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं और बहुत अच्छा चलते हैं, बिल्कुल। तो अक्सर ये देखा जा रहा है, बाद लोग कहते हैं कि स्टेंट दिलाए थे लेकिन वो फेल हो गया है, वो क्या है? देखिए, अगर मैं एक महीने में 100 लोगों को स्टेंट डाल रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, तो 98% लोगों को कुछ नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात। 2% लोगों को स्टेंट फेल हो सकता है। अच्छा, ठीक है। देखिए, 100% तो सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में रहता है, हम लोगों के हाथ में नहीं रहता है। कोई भी चीज़ 100% गारंटी के साथ नहीं रहती है। ये 2% भी उन लोगों में फेल होता है स्टेंट जो लोग दवाई नहीं खाते, लापरवाही करते हैं, या सिगरेट बीड़ी दोबारा वापस हमने काम शुरू कर लिए, या गोलियां बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे लापरवाही लोग जो करते हैं उन लोगों में स्टेंट फेल हो जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उनको चाहिए कि ऐसे चीज़ों से बचे और जो डॉक्टर एडवाइस दे रहे हैं उसको फॉलो करें। उसके बावजूद भी 1% अगर हुआ तो अपनी किस्मत है, वो कुछ नहीं कर सकता ऐसी चीज़ें, क्योंकि 100% ना स्टेंट की कंपनी वाले गारंटी देते हैं ना हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर नहीं कराएंगे कुछ भी तो खतरा ज़्यादा है। जैसे 100 लोगों में 50 लोगों का खतरा ज़्यादा रहता है जान का, स्टेंट डलाने से वो खतरा जाके 98% कुछ नहीं होगा, 2% रिस्क तब भी रहता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँगी, जहाँ तक डॉक्टर मोहम्मद आसिफ का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह उन्होंने समझाया कि कैसे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है और जो अलामतें हैं वो कैसी होती हैं और किस तरह हंगामी हालात में इकदाम करना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए, और हमने उनसे ये भी पूछा कि स्टेंटिंग और बाईपास में क्या बेहतर है, तो उन्होंने जिस अंदाज़ में जवाब दिया है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनका जो इंटरव्यू हमने एहतमाम किया है इंटरव्यू का, तो यकीनन आप सबको फ़ायदा पहुँचाएगा, उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएगा जो दिल के मरीज़ हैं, या फिर उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएगा जो दिल के मरीज़ नहीं है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ान मुबारक की आमद आमद है, और ऐसे में आप देखेंगे कि कई ऐसे मरीज़ होते हैं दिल के जो रोज़ा भी रखते हैं, तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आसिफ से ये पूछूं कि आखिर उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे माह रमज़ान मुबारक में, क्या करना चाहिए उन्हें? जी देखिए, जितने लोग भी हार्ट के मरीज़ हैं जिनको शुगर रहता है या बीपी है साथ में, हार्ट की दवाई बहुत सारी दवाई खा रहे हैं, हम लोग दो चीज़ों पर डिसाइड करते हैं। जी जी जी। जिसका सर्जरी या हार्ट की सर्जरी अभी हुई है हाल फिलहाल में, एक महीने डेढ़ महीने के अंदर रमज़ान मुबारक से, तो उन लोगों को थोड़ा रोज़ों से बचना चाहिए। अच्छा। दूसरी लोग जो है जिनका हार्ट का पंपिंग बहुत कमज़ोर है, अच्छा, उनके रिपोर्ट्स में लिखा होगा, जिसका बहुत बार बार सांस फूलती रहती है और उनको दवाई लेना पड़ता है कंटिन्यूसली, जिसके हार्ट की पंपिंग 30% के नीचे है, उन लोगों को भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि भाई आप उससे रमज़ान में जो है रोज़े ना रखें, लेकिन थोड़े लोग उसमें भी ताकतवर रहते हैं जो अपने आप से कर सकते हैं तो उनको रोज़ा रखने के लिए अलो करते हैं। ज़्यादातर लोग जितने भी हम लोग स्टेंट्स डालते हैं या बाईपास, सब लोग रोज़े रख सकते हैं, किसी के लिए रोक ठोक मेडिकली नहीं है। जी, समझ रहे हैं? तो उनको चाहे वो 10 दवाई खा रहे हैं 20 दवाई खा रहे हैं, चाहिए कि दवाइयों को सहरी और इफ्तारी में कर लें, जो दोपहर की गोली खा रहे हैं उसको इफ्तार के बाद कर लें, और जो हार्ट के खास करके जो पेशाब की एक दवाई रहती है जिससे पेशाब ज़्यादा आता है, ऐसे गोली को सहरी में ना लें क्योंकि शाम भर तक कमजोरी बहुत हो जाएगी, तो उसको इफ्तारी में शिफ्ट कर लें गोली, और कोशिश करें कि भाई आपके दवाई एडजस्ट करा लें हार्ट के स्पेशलिस्ट से मिलकर नियर बाय, या आप जो दवाई ले रहे हैं उसका क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी थोड़ा कम कर लें, और गोलियों को सहरी और इफ्तारी में एडजस्ट कर लें, ये जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त हो चला है, ऐसे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारी रिवायत रही है कि हम अपने मेहमान और डॉक्टर से एक मैसेज लेते हैं ताकि आवाम को फ़ायदा पहुँच सके, हमारे नाज़रीन को और सियासत अखबार के कारीन को भी फ़ायदा पहुँच सके। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब इस बारे में मैसेज देते हैं हमारे नाज़रीन को कि दिल को किस तरह साफ़ रखा जाए, यानी बीमारियों से पाक रखा जाए।
जी, जिसको हार्ट की बीमारी नहीं है या जिसको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है या जिस शुगर या बीपी से मुबतला हैं, मेरा मैसेज सिंपल है, 7 चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। पहली चीज़ फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब यह है कि कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन आधे घंटे तक वॉकिंग करें, तेज़ वॉकिंग या हल्का वॉकिंग, कम से कम वॉकिंग करें कंटिन्यूस, वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं उसका ख्याल करें, ऐसा नहीं कि जो मिला खाते जा रहे हैं। जंक फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करें, तेल चिकनाई को कम करें खाने में, सबके लिए है, जिसको बीमारी है या नहीं है ये ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जिसको ब्लड प्रेशर है उनको चाहिए कि अपना बीपी हमेशा 130/80 के नीचे रखें, इससे हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। चौथा जो है, जिसको शुगर है उनको चाहिए कि अपना शुगर को कंट्रोल में रखें और हमेशा जो है शुगर नॉर्मल मेंटेन करेंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे। पांचवा जो है, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए, चाहे जर्दा हो, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, नशे वाली चीज़ें सब बंद करें, तो इससे हार्ट अटैक के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है, आपको फैमिली हिस्ट्री जिस लोगों को है या मोटापा है उन लोगों को चाहिए कि कम से कम 10% अपना वज़न कम करें, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। और तेल का, चिकनाई का वगैरह ख़ास करके उसका ख्याल करिए, वॉकिंग का ख्याल करिए डेली, और नशे की चीज़ों से बचे रहिए, तो इंशाल्लाह हार्ट की बीमारी से दूर रहेंगे आप लोग। तो बहुत ही प्यारा मैसेज दिया, और नाज़रीन आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब ने अपने मैसेज में अपने 15 साल जो तजुर्बा है उसका निचोड़ बयान कर दिया है। और इसी प्यारे प्यारे मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।